बिदनू न्यू आजाद नगर चौकी क्षेत्र के गोपाल नगर में शुक्रवार सुबह घर में अकेली 45 वर्षीय महिला की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। घटना के वक्त पति पास के ही एक चट्टे से दूध लेने गया था। दूध लेकर घर लौटे पति को घटना की जानकारी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी हां, आपको बता दें, गोपाल नगर निवासी श्रवण कुमार शुक्ला एक निजी स्कूल में शिक्षक है। श्रवण कुमार ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे वह चट्टे से दूध लेने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान घर में अकेली पत्नी को किसी ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। कुछ देर बाद जब वह दूध लेकर घर लौटे तो मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाकर देखा तो कमरे में बेड पर पत्नी का लहूलुहान शव पड़ा हुआ था। कमरे का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, जिस पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कमरे का बिखरा पड़े होने से लूटपाट के बाद हत्या के अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस मामले को संदिग्ध बताते हुए हत्या के पीछे किसी नजदीकी के होने की आशंका जता रहा है। बेटा शुभम एयरफोर्स में गुजरात में है, वहीं बेटा पत्नी संग गुजरात में रहता है। बेटी श्रद्धा की 5 वर्ष पहले फतेहपुर में शादी हुई है। पड़ोसी बुआ रामा त्रिवेदी के पास पहुंचे और कहा, देखो गेट नहीं खुल रहा। जैसे ही वह बुआ संग गेट पर आए, जिसके बाद बुआ गेट पर आवाज देती रही और वहीं पीछे गली में रह रहे पड़ोसी हरदेव प्रसाद गुप्ता के मकान की छत के रास्ते अपने मकान की छत पर पहुंचे। आंगन के जाल से पत्नी को आवाज देने लगे। इसी बीच गेट से 2 लड़के लोवर और नीली जैकेट पहने हुए भागे, जिन्हें बुआ ने देखा, जिसके बाद श्रवण तुरंत वापस मकान के मुख्य गेट पर आकर अंदर गया। तो देखा पत्नी का बेड के पास लहूलुहान शव पड़ा था। ये सर 7 बजे की घटना है। दिन प्रतिदिन की तरह रोज मैं दूध लेने जाता हूँ 7 बजे, और मेरी वाइफ साफ सफाई बाहर करती है, चबूतरे की धुलाई करती है, झाड़ू लगाती है। जिस समय मैं गया था उस समय वो साफ सफाई कर रही थी, पूरी तरह से स्वस्थ थी, कोई उनमें वो नहीं थी। और जब मैं वापस लौटा दूध लेकर के, तो मैं देखता हूँ कि गेट मेन गेट की अंदर से कुंडी बंद है। और मैंने अपने वाइफ को कई आवाज़ें दी, गेट खोलने को बोला, लेकिन उस समय मुझे कुछ हल्की सी रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मैंने जो बाहर से ही पूछा कि क्या हुआ, गेट क्यों नहीं खोल रही हो, गेट खोलो गेट खोलो, लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला। फिर मैं जब अंदर पहुंचे तो क्या स्थिति थी? फिर जब मुझे बताया गया कि यहाँ से कुंडी खोल करके 2 नवयुवक भाग निकले हैं। जब आप अंदर पहुंचे तब क्या स्थिति थी? अंदर जाकर के मैंने देखा कि मेरी पत्नी खून से लथपथ पड़ी हुई है, तो मुझे आशंका हुई कि जरूर इनका मर्डर हुआ है। फिर मैंने तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म किया। किस तरह से क्या हुई है? अब मैंने तो ये प्रत्यक्ष देखा कि नहीं किस तरह से हत्या हुई है, लेकिन मैंने ये देखा कि डेड बॉडी पड़ी हुई है और उनके खून निकल रहा है, बाहर भी खून पड़ा हुआ है। क्या लगता है आपको, किसने हत्या की होगी, किसी के ऊपर शक है आपको? सर मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, हम लोग अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा किसी से ना तो आना जाना रहता है ना किसी से मतलब रहता है, अपने काम से ही काम रखते हैं। इंडियन प्राइम न्यूज़ के लिए कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट।